केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने देश के प्रधानमंत्री वालों देश को आत्मनिर्भर बनाने लिए स्कीमों का ऐलान किया सी। इस आत्मनिर्भर तहत सब्जी के फल काश्तकारों लिए फूड मंत्री ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुण सारी सब्जियों के फलों से सबसिडी का लाभ मिलेगा। मंत्रालय वालों उत्पादन खेत्र तो वड्डे खपत केंद्रों तक फसलों की आवाजाई के नाल भंडारण लिए भी 50% तक सबसिडी दी जाएगी। किसानों से संबंधित संस्थानों को आत्मनिर्भर भारत की यह लाहेवंद योजना का लाभ लेना चाहिए। इस संबंधी उन्होंने अपने फेसबुक से पोस्ट पा के जानकारी दी है। उन्होंने कहना है कि फल और सब्जियों के काश्तकारों को तालाबंदी कारण पैदा हुई दिक्कतों से बचाने और फसलों की कटाई तुड़ाई तो बाद होने वाले नुकसान को घटाने लिए फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर प्याज और आलू दी फसलों को वधा के फल और सब्जियों ने सारिया फसलों इस अधीन ले लिया गया है। बीबा बादल का कहना है कि पहला टमाटर आलू ते प्याज ते सबसिडी मिलती सी पर हुण सारिया सब्जियों के फलों ते सबसिडी का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ी कम टीवी। अकाली दल वालों टिंडसा धड़े के नाल संबंध होने लगाए दोषों का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तिखा जवाब दिता है। सोशल मीडिया से लाइव दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद मैंबर सुखदेव सिंह टिंडसा की नवी अकाली दल पार्टी के नाल कांग्रेस का कोई लेन देन नहीं है। लोकतंत्र में सारे अपनी गल कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब नवे नवे अकाली दल के गठन का पुराना इतिहास रहा है। 1984 के बाद पंजाब में 7 अकाली दल सन। उन्होंने आख्या कि अकाली दल रबड़ वर्गा हो गया है, कदे फैल जाता है तो कदे संभड़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस गल तो कोई समस्या नहीं है। पंजाब में किन्ने सियासी दल बनते हैं, समस्या सिर्फ इस गल तो है कि सूबे की शांति भंग ना हो। मुख्यमंत्री ने पंजाब दी सारिया सियासी पार्टियों को अपील की है कि वह कोरोना वायरस की गंभीरता समझते हुए वड्डियां रैलियां तो बचन। उन्होंने कहा कि जदों नेता ही कानून की उलंघना करेंगे तो जनता में गलत सुनेहा जाएगा, इसलिए नियमों का पालना जरूरी करना चाहिए। छोटे समागमों के भी मास्क लाजमी तौर पर पाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ी कम टीवी। केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने देश के प्रधानमंत्री वालों देश को आत्मनिर्भर बनाने लिए स्कीमों का ऐलान किया। इस आत्मनिर्भर तहत सब्जी के फल काश्तकारों लिए फूड मंत्री ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुण सारी सब्जियों के फलों से सबसिडी का लाभ मिलेगा। मंत्रालय वालों उत्पादन खेत्र तो वड्डे खपत केंद्रों तक फसलों की आवाजाई के नाल भंडारण लिए भी 50% तक सबसिडी दी जाएगी। किसानों से संबंधित संस्थानों को आत्मनिर्भर भारत की यह लाहेवंद योजना का लाभ लेना चाहिए। इस संबंधी उन्होंने अपने फेसबुक से पोस्ट पा के जानकारी दी है। उन्होंने कहना है कि फल और सब्जियों के काश्तकारों को तालाबंदी कारण पैदा हुई दिक्कतों से बचाने और फसलों की कटाई तुड़ाई तो बाद होने वाले नुकसान को घटाने लिए फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर प्याज और आलू दी फसलों को वधा के फल और सब्जियों ने सारिया फसलों इस अधीन ले लिया गया है। बीबा बादल का कहना है कि पहला टमाटर आलू ते प्याज ते सबसिडी मिलती सी पर हुण सारिया सब्जियों के फलों से सबसिडी का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कम टीवी।